दोस्तों 15 मई से व्हाट्सएप पर नई प्राइवेसी पॉलिसी लागू होने जा रही है। व्हाट्सएप ने इसकी नोटिफिकेशन देना शुरू भी कर दिया है। जैसा कि आपको पता है, इस साल की शुरुआत से ही व्हाट्सएप के नए प्राइवेसी पॉलिसी की सूचना आपको मिली होगी, लेकिन यूजर्स का व्हाट्सएप से सिग्नल और टेलीग्राम पर जाना व्हाट्सएप को अच्छा नहीं लगा, इसलिए व्हाट्सएप ने पॉलिसी को टालकर 15 मई कर दिया है। 15 मई से व्हाट्सएप की न्यू पॉलिसी लागू हो जाएगी और इसे स्वीकार करना ही होगा। अगर आप इसे स्वीकार नहीं करते हैं तो क्या होगा, चलिए जान लेते हैं। व्हाट्सएप का साफ साफ कहना है, अगर व्हाट्सएप यूजर इस नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं करता है तो उसका अकाउंट बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप पर ना कोई वो मैसेज कर पाएगा और ना कोई मैसेज रिसीव कर पाएगा। अगर आप व्हाट्सएप की नई पॉलिसी को एक्सपेक्ट नहीं करते हो तो 120 दिन के बाद आपका अकाउंट अपने आप बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप आपको नोटिफिकेशन भी दे रहा है पॉलिसी को स्वीकार करने। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को नई प्राइवेसी स्वीकार करने की अपनाने के लिए नोटिफिकेशन भेज रहा है। इसकी पॉलिसी को लेकर लोगों के मन में काफी सारे कंफ्यूजन है कि इसकी पॉलिसी को हम स्वीकार करें या नहीं करें, या स्वीकार करने से क्या होगा। तो पिछले दिनों ही कंपनी ने अपने यूजर्स को स्टेटस के माध्यम से बताने की कोशिश की थी। नई व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी बिल्कुल सेफ है, 100% सिक्योर है, इसमें आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो डाटा है बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। और कंपनी ने ब्लॉग के माध्यम से भी यह कहा था कि यूजर्स के पर्सनल मैसेज हमेशा की तरह एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होंगे और व्हाट्सएप पर उन्हें सुना या पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये था इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए सभी दोस्तों के साथ में, और एक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए।